नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीजिए टॉक्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के पांच सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिंगर्स की, जिनके गानों को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों इस लिस्ट में पांचवें नंबर पे नाम आता है हैंडसम बॉय अरमान मलिक का, जिन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में गाना शुरू किया था। बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने सारेगामा लिटिल चैंप्स में पार्टिसिपेट किया था, हालांकि उस शो को वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन अपने टैलेंट से सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में ज़रूर कामयाब रहे थे। दोस्तों अरमान मलिक ने 2007 में आई फिल्म तारी जमी पर से अपने फिल्मी प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत करी थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनके कुछ पॉपुलर सॉन्ग इस प्रकार हैं, बोल दो ना जरा, हुआ है आज पहली बार, मुझको बरसात बना लो, बेसब्रियां, तुम्हें अपना बनाने की कसम। दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर पे नाम आता है एक और चार्मिंग हैंडसम बॉय दर्शन रावल की, जो गुजरात के अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। दर्शन रावल की यूथ फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने बॉलीवुड मेनस्ट्रीम आने से पहले अहमदाबाद और देश के कई हिस्सों में शोज किए, जिनसे उन्हें अच्छी खासी रिकॉग्निशन मिली। उसके बाद उन्होंने रियलिटी शोज इंडियन रॉय स्टार में पार्टिसिपेट किया और तेरा जिक्र सॉन्ग से उन्हें खासा पहचान मिली। उसके बाद दर्शन रावल ने एक के बाद एक सुपरहिट गानों की लड़ी लगा दी, जैसे चौगाड़ा तारा, कमरिया, असल में, ओढ़नी, मुझे पीने दो, एक्स्ट्रा। इसलिए दर्शन रावल हैं इस लिस्ट में चौथे स्थान पर। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आते वो सिंगर जो अपने लुक्स और मखमली आवाज से सबको कर देते हैं मदहोश, जिनके गाने रहते हैं कमाल और जिनके लंबे हैं बाल, वन एंड ओनली जुबिन नौटियाल। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से मुंबई की चकाचौंध तक खुद के दम पर जगमगाने का सफर शुरू हुआ एक रियलिटी शो से, जिसमें जजेस ने पहले तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बाद में उनका सिलेक्शन हो गया। हालांकि जुबिन वह शो जीत नहीं पाए, लेकिन वहां से खुले बॉलीवुड के रास्ते। बॉलीवुड के लिए उन्होंने पहली बार प्लेबैक सिंगिंग की फिल्म सोनाली केवल के एक मुलाकात गाने से, जो इंस्टेंट हिट साबित हुआ और जुबिन का सिक्का बॉलीवुड में जम गया। 2015 में बजरंगी भाईजान में कुछ तो बता, फिर द शौकीन से मेहरबानी, जज्बा से बंदिया और रुस्तम से ढल जाऊं जैसे सुपरहिट गाने सुनने वालों की जबान पर चढ़ गई, जिससे जुबिन ने इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया। उनके कुछ सुपरहिट गाने इस प्रकार हैं, दिल से आते हो बावरा मन, गजब का है दिन, तुझे कितना चाहे हम, तुम ही आना, हम नवा और लुट गए। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं वो शख्स जिनका हर एक गाना होता है सुपरहिट और सॉन्ग चार्ट पे जिनके गाने होते हैं सबसे ऊपर, और जो है अभी बॉलीवुड म्यूजिक और पंजाबी म्यूजिक में रैप की किंग, यानी बादशाह। बादशाह का असली नाम दोस्तों आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है। इन्होंने अपनी म्यूजिकल करियर की शुरुआत करी थी 2006 में अलॉन्ग विद योयो हनी सिंह। उसके बाद 2012 में बादशाह ने अपना सिंगल्स रिलीज किया था कर गई चुल नाम से, जिसने बादशाह को बना दिया पार्टी और रैप सॉन्ग का असल बादशाह। दोस्तों 2014 में आई वरुण धवन स्टारर फिल्म हम्टे शर्मा की दुल्हनिया के गाने, सैटरडे सैटरडे और सोनम कपूर की फिल्म खूबसूरत के गाने अभी तो पार्टी शुरू हुई है ने उन्हें शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। इसके बाद उनके म्यूजिक का जादू लोगों के ऐसे सर चढ़ के बोला, जिसने उन्हें बना दिया इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री का लीडिंग सिंगर। वैसे तो उनके गानों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उनके कुछ सुपरहिट गाने इस प्रकार हैं, डीजे वाले बाबू, हाई गर्मी, कमाल है, वखरा स्वैग, गेंदा फूल, काला चश्मा, प्रॉपर पटोला और अभी का लेटेस्ट पानी पानी। दोस्तों फाइनली इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं वो सिंगर जिनकी रूहानी आवाज़ ने पिछले एक दशक से सुनने वालों का दिल कर रखा है हाईजैक, जिनकी मदमस्त मखमली आवाज़ ने सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में मचा के रखा है भौकाल, और जो है रोमांटिक गानों के किंग, मिस्टर अरिजीत सिंह। दोस्तों बता दूं कि अरिजीत सिंह ने कमर्शियली अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करी एक रियलिटी शो से, जिसका नाम था गुरुकुल फेम, जिसके जज थे जावेद अख्तर, शंकर महादेवन और केके। दोस्तों इस रियलिटी शो में 6 पोजीशन पर रहने के बावजूद अरिजीत कैसे बनी म्यूजिक की दुनिया के मेगा स्टार, चलो जानते हैं। तो फ्रेंड्स बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग से पहले अरिजीत सिंह ने म्यूजिक कंपोजर प्रीतम चक्रवर्ती, शंकर महादेवन और मिथुन जैसे बड़े कंपोजरों को असिस्ट किया था। उनका बॉलीवुड में पहला डेब्यू सॉन्ग था फिर मोहब्बत करने चला तू फिल्म मर्डर 2 से, जिसे कंपोज किया था मिथुन ने, जिसे लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। उसी साल उनका एक और सॉन्ग रिलीज हुआ राबता फिल्म एजेंट विनोद से, जिसे भी लोगों द्वारा खूब सराहा गया, लेकिन अभी धमाका होना बाकी था। दोस्तों 2013 में आई फिल्म आशिकी 2, जिसके गाने ने अरिजीत सिंह को ओवरनाइट स्टार बना दिया, जिसका नाम था तुम ही हो।
जिसके लिए उन्हें नवाजा गया फिल्म फेयर के बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए। दोस्तों आपको बता दें, अरिजीत सिंह को अभी तक 6 बार फिल्म फेयर के बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नवाजा जा चुका है, जिसमें उन्होंने लगातार 2016 से 2020 तक 5 बार ये खिताब अपने नाम किया है। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात और, उन्हें बिनते दिल के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों अरिजीत सिंह एक इकलौते ऐसे सिंगर हैं जिनके लगभग सारे गाने सुपरहिट होते हैं। अगर बात की जाए उनके द्वारा गाए गए कुछ सुपरहिट गानों की, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ सॉन्ग्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं वो इस प्रकार हैं। तुम ही हो, अगर तुम साथ हो, शायद, बिनते दिल, मेरे वतन, सुनो ना संगमरमर, दुआ और खैरियत।